हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वंशांगति को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुँचने को आनुवंशिकता या वंशांगति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशांगति का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। एक बार और उत्तर देख लीजिए। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुँचने को आनुवंशिकता या वंशांगति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशांगति का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया वंशांगति का परिभाषा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।